हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएनएस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम DSSSB 13x20 के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस के साथ साथ दोस्तों हम जो इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, कंप्लीट सिलेबस, एग्ज़ाम का डेट, पैटर्न, टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं जो कि RTI रिप्लाई से मैंने निकाला है, पिछले साल का कट ऑफ सैलरी और बहुत सारे जो बेनिफिट्स मिलते हैं इसके अलावा, उसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों यह जो पोस्ट कोड था 13x20 जूनियर क्लर्क का पोस्ट कोड था, जिसके लिए टोटल 254 वैकेंसी आई हुई थी और आपका जो एग्ज़ाम है 9 से 17 नवंबर को होने वाली है। ठीक है, 9 से 17 नवंबर को आपका एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। साथ ही साथ बात करें दोस्तों, इस वीडियो में हमने टेक्स्ट बुक पास का गिव अवे भी रखा है। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पर आपको इसके बारे में जानकारी मिल। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं यह जानना चाहते हैं कि जिस पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया है उसमें कितने कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है। तो आपसे बता दें दोस्तों, टोटल 276,229 पोस्ट कोड के लिए हमारा अप्लाई किया गया है, जिसमें आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, 140,000 के आसपास अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, 46,000 के आसपास आपको OBC, 71,000 SC और 17,000 ST कैटेगरी में अप्लाई किया गया है। साथ ही मैंने एक बात नोटिस किया है कि 1087 जो है कैंडिडेट एक सीट के लिए फाइट करेंगे, जैसे कि 254 पोस्ट आपका है। ठीक है, तो 1087 कैंडिडेट एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं, जो कि बाद में घट भी सकती है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं। सिलेबस की बात यहाँ पे करें दोस्तों, तो सिलेबस आप देख सकते हैं कि 40-40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 5 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। वो 5 सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मैथ, हिंदी और इंग्लिश से। यानी कि टोटल आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे टाइम होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस आप यहाँ पर देखिए 36 सेकेंड, यहाँ पे नेक्स्ट आपसे बात करें कि 36 सेकंड आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे, जो कि मैंने कैलकुलेट कर लिया है। और जनरल अवेयरनेस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स, कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स, अपॉइंटमेंट्स, स्पोर्ट्स इत्यादि से क्वेश्चन आपसे जनरल अवेयरनेस में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, अरिथमेटिकल रीजनिंग, इन सारे से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर 2 सब्जेक्ट देख लिया। सब्जेक्ट वाइज आपका जो जो टॉपिक्स हैं उनका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा बात करें दोस्तों हिंदी की, तो हिंदी में आप देख सकते हैं हिंदी कंप्रीहेंशन, ग्रामर, वोकैब, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम, करेक्ट यूजेज इत्यादि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी तरह से सेम पैटर्न इंग्लिश में भी होगा, जिसमें कि कंप्रीहेंशन, ग्रामर, वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम, करेक्ट यूजेज और सेंटेंस स्ट्रक्चर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करें दोस्तों कि सैलरी हमारी कितनी बनेगी अगर हम इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, तो टोटल जो सैलरी होती है दोस्तों 5200 पे स्केल जैसे कि नोटिफाई किया गया है, 26,200 आपका टोटल ग्रॉस सैलरी होगा, जो कि डिडक्शन के बाद, जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम में इनकम टैक्स में टोटल डिडक्शन जो आता है, ये सब करके आपको 23,700 इन हैंड सैलरी मिलती है। दोस्तों अगर आपको यहाँ तक हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें जो सैलरी के अलावा पर्क्स और बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, उसमें आपको रेजिडेंशियल क्वार्टर मिल जाता है, डियरनेस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मैटरनिटी लीव अगर आप एक वूमेन है तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं दोस्तों जूनियर क्लर्क के कट ऑफ के बारे में, जो कि 2020 में एग्जाम्स हुई थी उसके बारे में। देखिए टोटल 200 मार्क्स का जैसे क्वेश्चन होता है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 138, OBC के लिए 126, SC के लिए 128 और ST के लिए 105 जो है कट ऑफ आई थी। ठीक है, तो इसके अनुसार आप देख सकते हैं जैसे कैंडिडेट्स ज़्यादा फिलअप किए हैं इस फॉर्म को, तो जो आपका कट ऑफ होगा एक्सपेक्टेड इस बार का, इससे 10 नंबर आप एडवांस ले लो उतना आपका कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट ने जो है
दूसरे स्टेट के हैं लेकिन उन्होंने फॉर्म फिलअप करते समय ओबीसी डाल दिया है, जैसे नियम के अनुसार उनको जनरल डालना चाहिए था। तो ऐसे कैंडिडेट के बारे में भी यहाँ पे नोटिस दिया गया है कि जो कैंडिडेट ऐसा कर चुके हैं उनका फॉर्म वैलिड नहीं होगा, ठीक है, ऐसा विभाग के तरफ से बताया गया है। लेकिन अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका एडमिट कार्ड आ जाता है तो आप ज़रूर से ज़रूर अपना एग्ज़ाम देने जाएँ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि बाद में DSSP, अगर बहुत सारे कैंडिडेट ने ऐसा गलती किया होगा तो कुछ वो लोग सोल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि यह दिल्ली गवर्नमेंट है दोस्तों, ये लोग अच्छी खासी चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे कैंडिडेट का जो डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया है, तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको ध्यान रखेंगे। अगर आपका एडमिट कार्ड आ जाता है तो आप ज़रूर से ज़रूर एग्ज़ाम भी देंगे, हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका सही कर दिया जाए। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा कि सारे डिटेल्स जो DSSP 13/20 जूनियर क्लर्क के बारे में था उसके बारे में मैंने इस वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है, कोई भी चीज़ अभी छूट नहीं रहा है। इसके साथ ही अब आप अपनी तैयारी पूरी कर लें, DSSP के रिगार्डिंग सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और टेलीग्राम से जुड़ जाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।